बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ से साइड से एजेस से वाइट बोर्ड के अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि लेट हो गई है वीडियो बनाने में और यहाँ पे थोड़ी सी रूम में ब्राइटनेस आती है, तो उस ब्राइटनेस की बेस पे वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो चले यार, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम बोन्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आप लोगों ने स्पोर्ट एंड मूवमेंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो जाके देख लें, कोई मसला नहीं है। इससे पिछले लेक्चर का नंबर डाल के चेक कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो देखो, कोई भी बोर्ड हो, फेडरल, केपीके, पंजाब और सिंध, डजंट मैटर, सबके लिए ये एक मॉडिफाइड लेक्चर है। मैंने सबके लिए बनाया, मैंने सोचा कि मेरे भाई हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हो, चाहे इंडिया के ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये वो छोटा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोन और बोन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि बोन एंडोस्केलेटन या स्केलेटन का एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। स्केलेटन इज नॉट स्केलेटन विदाउट बोन, ठीक है। बोन मेजर उसका जो कंपोनेंट है वो स्केलेटन का, वो क्या है? बोन है, ठीक है। उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे कार्टिलेज भी पढ़ेंगे, कार्टिलेज का भी रोल होता है। जैसे कि ये देखो, ये और इसके द्वारा ये देखो, ये तो दीज आर कार्टिलेज एक्चुअली। देखो, अगर मैं बात करूँ बोन की, तो बोन क्या है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कार्टिलेज है, दैट इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, वाइल द बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कि ये हार्ड और टफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो आउटर शेल है, यहाँ से देख लें, ये जो इसकी आउटर शेल है ये वाली, इसका नाम है दैट इज कम्पैक्ट बोन। और इसकी जो अंदर वाली साइड है, ये मैंने डॉटेड भी लगाई हुई है ये वाली, दैट इज स्पॉन्जी बोन, ठीक है। आउटर जो रीजन है, आउटर जो बोन है, दैट इज कम्पैक्ट बोन, आउटर जो शेल है, और उसके बाद जो इनर शेल है, दैट इज स्पॉन्जी बोन, ओके। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑफकोर्स कम्पैक्ट बोन होगा। कम्पैक्ट बोन कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड टेब्यूलर यूनिट्स कॉल्ड ओस्टियन, ठीक है। देखो कि ये जो ऐसे टेब्यूलर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है जिसका नाम क्या है? ओस्टियन। अब ओस्टियन के पास दो चीजें होती हैं, एक है सेंट्रल कैनाल और दूसरा ये जो आपको यहाँ से नजर आ रही है कोसेंट्रिक रिंग्स। देर आर टू पार्ट्स इन द ऑस्टियन, वन ऑफ देम इज द सेंट्रल कैनाल एंड अदर वन इज द कोसेंट्रिक रिंग। कोसेंट्रिक रिंग सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल, और उसके अलावा जो ना इसी जो सेंट्रल कैनाल है उसमें क्या मौजूद होती है? किधर है? ये ब्लड वेसल होती है और उसमें नर्व मौजूद होती है। बोन आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपको पता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है? फॉरेन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो ऐसा समझो कि ये असाइनमेंट है, ठीक है। कि कैल्शियम और फास्फोरस मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके किसकी? बोन्स की। और उसके अलावा बोन के जो मैच्योर सेल्स हैं उनको उसका नाम देते हैं ओस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं, ठीक है। मतलब एक इन्फेक्शन जहाँ पे हो जाता है, आपके हड्डी टूटती है, हड्डी टूटती खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बोन्स के पार्टिकल हैं उनको डिजॉल्व करना किसका काम है? ओस्टियोक्लास्ट का काम है। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये रिमेंबर कर लो, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स है। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिजॉल्विंग सेल्स है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ओस्टियोसाइट सेक्रेट मैट्रिक्स एंड रिलीज, क्या लिखा हुआ था? मिनरल्स, ओके। कि ये क्या करता है कि जो ओस्टियोसाइट्स हैं, एक तो ये कि मैट्रिक्स बनाता है बोन का, ठीक है। बोन के जो सेल्स हैं उनकी जो मैट्रिक्स है, इंट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है वो बनाता है, और उसके अलावा जो ना मिनरल आयंस को रिलीज करवाता है, ये इसका मेन काम है। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन आपको पता है कि ये क्या होता है? कि ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, वेरी सॉफ्ट होता है और पोरस होता है। ये आप देख सकते हैं कि सारे पोर्स मौजूद हैं। अब इस पे दो टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, कुछ होते हैं रेड बोन मैरो सेल्स, और ऑफ कोर्स ये उसके अलावा येलो बोन मैरो भी होते हैं। एक चीज़ है कि जो रेड बोन मैरो है वो अलग साइड पे मौजूद होते हैं, और येलो बोन मैरो एक्चुअली वो इस कम्पैक्ट बोन में मौजूद होते हैं, ठीक है। कि रेड बोन मैरो मौजूद होता है, उसके अलावा जो है येलो बोन मैरो कैन बी फाउंड इन द हॉलो रीजन ऑफ द कम्पैक्ट बोन। कि कम्पैक्ट बोन अंदर से जो खोखला होता है उसके अंदर येलो बोन मैरो होते हैं। अब इन येलो बोन मैरो का जो फंक्शन है वो आप लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कुछ पता चले। आप भी तो कोई एक्टिविटी करो ना, तो इससे आपका भी फायदा होगा, ताकि आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज है वो बढ़ जाए, ओके। अब उसके अलावा इस बोन के फंक्शन क्या है, ठीक है। अब बोन आपको पता है
कि दिस इज आवर मसल्स, भाई इसके मसल्स हैं ऐसे है ना, तो ये मेरे नहीं है ठीक है, कि ये मसल्स हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, दो बोन्स को, एक ये वाला बोन, एक ये वाला बोन, ये क्या है हमारा हैमर और ये क्या है रेडियस और अल्ना, तो ये मसल्स क्या कर रहा है, मैं इसे खींच रहा हूँ, तो ये एक्चुअली मैं नहीं खींच रहा, ये मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी बेस पे आपकी ये जो ये बोन है ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है ठीक है। तो क्या करता है मसल, बोन, जावर बोन एंड कॉजेज द मूवमेंट, और इसी बेस पे मतलब ये हाथ की मूवमेंट हो रही है ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, कि ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। सोचो जरा समझो कि अगर आपके ये जो हड्डियां बीच में मौजूद हैं वो ना होते तो आप क्या होते, सोचो जरा इस दिमाग से। ये अल्लाह ताला की ऐसा समझो कि रहमत है कि हमें एक ऐसा सीधा साधा बंदा बना दिया है ठीक है, नहीं तो सोचें जरा कि आपकी आप में ये हड्डियां ना होती तो आप कैसे होते। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स, आपकी ये चेस्ट है, चेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद है, लंग्स मौजूद है, हार्ट मौजूद है, किडनीज मौजूद है, लिवर, अप टू सोन सारे ऑर्गन्स की बात कर लो, जितने भी वेस्टरल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, आपके बोन्स का। और उसके अलावा आल्सो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल जिसमें रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल है, तो ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी बोन प्रोड्यूस करता है। एसएलओ बेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, असाइनमेंट चाहिए, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपका भाई किस लिए बैठा है ठीक है। और इवन ये कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लेता हूँ ठीक है, उसमें टेंथ क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन, उनको सपोर्ट, उनको गाइडेंस, हर तरह का मतलब ये कि प्रॉब्लम्स उनके मतलब सॉल्व किए जाएंगे ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी ब्राइटनेस नहीं थी, एडजस्ट कर लीजिएगा, ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़।